रावो साहो आपन रा
Thank you.
जिसको
शब्द पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज द्वारा उच्चारण किया हुआ इस शब्द में सिंधी भाषा का प्रयोग किया गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वन मेरे आलसा चला जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हे मेरे आलस मेरी सुस्ती मुझसे दूर चली जा। क्यों? क्योंकि अब मैंने अपने पति को पाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक सुहागन के मन की दशा दर्शाई है इस शब्द में। और यहाँ पर सुहागन किसे कहा है? संतों महापुरुषों को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि कैसे वो अपने मन के आलस से लड़ते हैं और मन के आलस से लड़ने के लिए कैसे फरियाद करते हैं प्रभु से। और फरियाद क्यों करते हैं? कि मेरे आलस को तू दूर कर हे गुरु नानक कि मैं तुझे पा सकूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आलस एक एक पंक्ति शब्द की बेनती है। प्रभु पास बेनती। हे प्रभु मेरी तेरे चरणों में बेनती है।
मेरा आलस दूर कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेले उठा नहीं जाता, आलस है दूर करते। नाम जपते वक्त आलस आ जाता है, दूर कर दे आलस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज चालिया का पहला दिन है, मैं सोच रहा था कौन सा प्रकरण, तो यही बात गुरु ने सुमत बख्शी कि पहला दिन है, ये प्रकरण अत्यंत जरूरी है कि आलस को दूर हो जाए। अब प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु मेहर करे, 40 दिन जिसने ये आलस को दूर कर दिया, गुरु नानक मेहर करे हमेशा का आलस दूर हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये आलस, ये दरिद्र, ये सुस्ती, चाहे सामाजिक काम हो चाहे परमार्थ का काम हो, किसी भी फील्ड में इंसान हो, आलस फेलियर का काम करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आलसी वक्त कभी तरक्की नहीं कर सकता, आलस दुख का कारण है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और यहाँ पर तो बात हो रही है परमार्थ की। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, जहाँ पर दुनियावी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, परमार्थ की पढ़ाई वहाँ से शुरू होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आलस, रावो साहो अपनड़ा, प्रभ संग सोहंती। शब्द को थोड़ा सा विचार कर ले फिर आगे बढ़ते पंक्तियों को। हे वाहेगुरु, अरदास की है संतों महापुरुषों ने कि मैं अपने प्रभु के संग रहना चाहती हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक के चरणों में उठकर नाम जपकर जुड़ना चाहती हूँ। तरस कर हे गुरु नानक, मेरा आलस दूर कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगे सोहंती कंत स्वामी, दिन सिरैणी गावी। दिन सिरैणी रावी है, मैं दिन रात तेरे गुण गाना चाहता हूँ, पर आलस मुझे छोड़ता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हे गुरु नानक, तरस कर मैं तेरे गुण गा सकूं, मेरा आलस दूर कर दे। प्रभु पास बेनंती वंज मेरे आलसा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये फरियाद है, ये शब्द इतना कीमती है सात संगत जी, मेरे जीवन में मुझे बहुत काम आया है। क्योंकि महापुरुषों ने दिया था ये शब्द, कहते जब आलस आने लगे, मन कहे नहीं उठना आज का दिन, क्या फर्क पड़ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन कहे, डॉक्टर ने कहा है आज सो जा, कोई बात नहीं, तबीयत खराब है, मन कई बहाने बनाता है, उस वक्त ये पंक्तियां पढ़ लेना, गुरु अर्जुन देव जी महाराज द्वारा उच्चारण की हुई, आलस डर के भाग जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए शब्द आज लिया है कि इन 40 दिनों में, 40 दिनों में ही नहीं, 40 इसलिए करते हैं, दास बार बार कहता है कि ये साइंस प्रूव कर चुकी है, जो 20 दिन एक आदमी रोज़ काम कर ले, केवल 20 दिन, उसकी आदत बढ़ जाती है, उसका स्वभाव बन जाता है। वो 20 दिन उठोगे, 21वें दिन अपने आप उठा देगा गुरु नानक, अपने आप उठ के बैठ जाओगे, और अगर 40 दिन कर लिया पक्के हो जाओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमेशा का नियम बन जाएगा, यही मन में सोच ले कि गुरु को फरियाद करना, सब मिलके सब फरियाद करती है, पर यही विचार मन में रख के अच्छा तरस कर ये अनमोल दात बख्श दे। और अगर ये आलस जीवन में से चला गया ना, परमार्थ की पढ़ाई तो है ही है, जीवन के हर पहलू में तरक्की हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये जो होता है ना कि 5 मिनट और सो जाऊँ, ये आज का काम कल कर लूँ, थोड़ी देर बाद करता हूँ, ये जिस जिस का स्वभाव है कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रावण के आखिरी बोल थे, आखिरी बोल, मैं कल के काम को परसों पर डालता रहा, आज के काम को कल पे, अभी के काम को बाद में, ये मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंतिम अक्षर रावण जैसे महाज्ञानी के, कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्यों? क्योंकि कौन नहीं करने देता ये आलस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि आलस होता क्या है, आलस करता क्या है, आलस दूर कैसे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुषों की बताई हुई युक्तियाँ हैं, गुरु नानक के बताए हुए रास्ते हैं, बस उस पर थोड़ा सा चलना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब मिलकर बेनती करें, अरदास करें। मन मेरे आलसा, मन मेरे आलसा,
धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में उनसे सवाल पूछा गया है, उन महापुरुषों से, उन भक्तों से, गुरुओं से, भाई तुमने कैसे आलस को दूर किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और दृष्टांत किसका दिया है, एक सुहागन दूसरे सुहागन से पूछती है। एक सुहागन का पति प्रसन्न रहता है, एक स्त्री का, एक का पति नाराज रहता है। जिसका प्रसन्न रहता है पति, दूसरी पूछती है तूने अपने पति को कैसे प्रसन्न किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, मुझे भी रास्ता बता दे। कितने प्यारे ढंग से समझाया है कि मैं क्या करूं कि मेरा आलस भी दूर हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस आलस को बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कई बार आलस मार जाते हैं, उन्हें वाणी में पंक्तियां हैं इसकी कि आलस को देवताओं को भी मार दिया आलस ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमें लगता है कि हमने आलस को जीत लिया है, नहीं पता नहीं कब हावी हो जाए। ये मन बड़ा, बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसे ऐसे आपको लालच देगा, आप मान जाओगे इसकी बात। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और फिर वही एक होता है गुरु का सिख, जिसे ज्ञान होता है, जिस ज्ञान को लेने हम बैठे हैं। अगर ये ज्ञान आज हमें मिल गया तो हम उस श्रेणी में कभी नहीं आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आलस कभी मार नहीं पाएगा क्योंकि आसरा लिया है गुरु की वाणी का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने ही इस शब्द को भी अंकित किया है। कितना प्यारा शब्द है, श्रवण कीजिए। मोहला मलन नींद ते छुटकी, मोह मलन नींद ते छुटकी, कौन अनुग्रह भयोरी। महामोहनी तुधना व्याप, तेरा आलस कहाँ गयो रे, तेरा आलस कहाँ गयो रे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हे संतो, हे महापुरुषो, यहाँ पर बात हो रही है सुहागन, सुहागन से पूछ रहे हैं। भाव साधु संतों से पूछ रहे हैं, बड़े ध्यान से समझना। गुरुवाणी में दो नाम आए हैं, एक साधु एक संत। साधु वो जो रास्ते पे चल पड़ा है पर मंजिल पर पहुंचा नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए वाणी में कई शब्द आते हैं, साधो मन का मान त्यागो, साधु ऐसे साधु ऐसे, साधु को उपदेश आते हैं, साधु एतन मिथ्या जान। पर संतों को उपदेश देने वाला कोई शब्द नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत पहुंच गए, साधु चल रहा है। इस शब्द में साधु संत से फरियाद कर रहा है कि तू पहुंच गया, तूने आलस को काबू में कर लिया है, कैसे किया है वो रास्ता मुझे भी बता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महामोहनी तुधना व्यापै, ये महामोहनी जो आलस है तेरे पे असर नहीं करता।
तुझ पर असर नहीं करता। तेरा आलस कहाँ गयो रे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरा आलस कैसे दूर हुआ? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए आगे। काम क्रोध अहंकार गाफिल संजम कान छूटे ओरी सुर नर देव असुर त्रै गुनिया सगलो पवन लुटे से बोलिए धन गुरु। तूने कैसे काम क्रोध अहंकार को काबू में किया, संजम में लाया? आपने कैसे जिस आलस ने सुर कहते हैं, एक होता है आम आदमी, एक होता है बुरा आदमी, एक होता है नेक आदमी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों से नीचे तीन दर्जे होते हैं, एक बुरा आदमी बुरा इंसान, फिर एक कॉमन मैन ना बुरा ना अच्छा, और एक नेक इंसान। जो नेक इंसान है वो भी आलस के मारे हुए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाकी दो को तो कैटेगरी में लिया ही नहीं है, वो तो मारे हुए हैं ही आलस के। और जो नेक इंसान है उसे कहा है सुर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नर देवा, जो देवा है देवता है, वो भी आलस के मारे हुए हैं। त्रै गुनिया सगलो पवन लुटियो रे, सारी सृष्टि को आलस ने लूट लिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर तूने कैसे जीता? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दावा अगन बहुत तृण जाले कोई हरियाबूस रहे ओरी। प्यार से बोलिए धन गुरु। दावा अग्नि का है जंगल की आग। जब जंगल में आग लग जाती है तो जब आग बुझती है तो कोई लाखों में कोई एक पौधा या एक पेड़ बचा होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं मैंने देखा है लाखों में से कोई एक है जिसने आलस को जीता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई हरिया बूटा रहे हो रे। इस सृष्टि के जंगल में अगर नजर मारी मैंने तो लाखों पेड़ों में से कोई एक पेड़ हरिया भाव कोई एक है महापुरुष जिसने अपने आलस को जीता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो घटना याद कर लिया करो, एक साधु बैठा है पेड़ के नीचे, रात के 12:15 का समय है, पंजाब का ठंडियों का समय, अति के ठंडियों का समय, जब पारा पड़ता है कि जो तालाब होते हैं ना उस पर सुबह थोड़ी थोड़ी बर्फ भी जम जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डिग्री माइनस टेम्परेचर में चली जाती है, -1 -2 तक चली जाती है। खुले खेत जंगल के बीच में, खेतों के बीच में जंगल, जंगल के पास में बीच में तालाब, तालाब के पास में एक महापुरुष बैठे हैं। ठंड का समय, कंबल लपेटा हुआ है, समय हो गया अमृत वेले का, स्नान करना है तालाब में, पर मन से युद्ध हो रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो उठ तो गया ही है, मन कह रहा है, मन से युद्ध हो रहा है, उठ तो गया ही है, आज नहीं स्नान कर ऐसे ही बैठ जा नाम जप ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें तो छूट दी हुई है ना कि चलो बैठ के नाम जप लेना, स्नान नहीं किया तो हाथ पैर मुंह पांच स्नान करके नाम जप लो, नहीं जपने से तो अच्छा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं संभालो, हमें छूट मिली, पर महापुरुष अपने आप को कभी छूट नहीं देते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि अभी शुरुआत है, दास कह देता है ये बात, कोई बात नहीं, मन नहीं कर रहा तो हाथ पैर मुंह धो के बैठ के कर लो, पलंग पे बैठे बैठे कर लो, पर असल में जब थोड़ी सी अवस्था ऊँची उठेगी ना कभी बिना स्नान किए बैठ ही नहीं पाओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर अभी स्नान के बिना बैठ रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि अभी तक हमसे ये दांत छूटी हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। स्नान करके मन ज़्यादा जुड़ता है और गुरु का वचन है स्नान करके बैठना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब देखो उनमें और हमें फ़र्क क्या है जिनकी घटना सुन रहे हैं हम। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मन कह रहे हैं महापुरुषों को आज रहने दो, बहुत ठंड है, अगर स्नान कर लिया तो बीमार पड़ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महापुरुष भी कहने लगे हाँ ठीक है आज रहने देते, फिर मन से युद्ध किया नहीं मेरा नेम टूट जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि नेम की गली में से गुजर कर ही गुरु का प्रेम प्रकट होता है,
प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ, धन गुरुनाथ। नित्यनेम टूट जाएगा, मन कहता है क्या फर्क पड़ जाएगा, तू नित्यनेम तो कर ही रहा है ना, प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ, धन गुरुनाथ। मन महापुरुष कहने लगे बात तो ठीक है, नित्यनेम तो कर ही रहा, गुरु नानक की याद में तो बैठा ही। फिर मन को समझाया, नहीं अगर आज तेरी बात मान ली कल भी अपनी बात मनवाएगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कल कहेगा लेटे लेटे कर ले नित्यनेम, आज बैठे बैठे करने को कह रहा है बिना नहाए। आस्ते आस्ते मन आलसी हो जाएगा। ये युद्ध चल रहा है काफ़ी देर तक, ये महापुरुष खुद बताते हैं अपनी बात, कहते 15-20 मिनट तक मेरा समय व्यर्थ गुम गया, चला गया। मन से युद्ध चल रहा है, मन कहता है रहने दे, मैं कहता हूँ करना है। करते करते एक समय आया कि मैंने कंबल समेत ही तालाब में छलांग लगा दी, प्यार से बोले धन गुरु नानक, ना वस्त्र उतारे ना कंबल, और तालाब में ही खड़ा रहा पूरी रात, और मन को कहा अब तेरी ये सजा है, ना कंबल उतरेगा भीगा हुआ, ना तालाब से बाहर निकलूंगा, तेरी सजा है आज पूरा भीग कर ठंड में ठटूरते हुए तूने नाम जपना है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ताकि कल से मुझसे तू ये ना कहे कि बिना स्नान किए तू बैठ जा। और ये महापुरुष कौन, अगर ये महापुरुष कोई और होते तो हम बाबा नंद सिंह जी के धन को कहते, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन बाबा नंद सिंह जी, धन बाबा नंद सिंह, धन बाबा नंद सिंह। कहते लगे 15-20 मिनट मेरे व्यर्थ गए मैंने, और ये इतिहास भी की घटना है कि सरोवर में खड़े रहे पूरी रात और जम गए सरोवर में, और जब कोई बकरियां चराने सुबह सूरज निकला तो वहाँ से कोई गुजरा तो देखा कि महापुरुष जमे पड़े हैं बर्फ में, तो गांव वालों ने आके बाहर निकाला, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यह युद्ध चलता है महापुरुषों का, और युद्ध गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन है ना, खालसा सोए जो करे नित जंग। जंग वो नहीं कि किसी को मार दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को गुस्सा मार दिया, अपने मन से युद्ध करे वो मेरा सच्चा खालसा है। खालसे का मतलब ही हमने गलत निकाल लिया, खालसे का मतलब होता है सच्चा, खालसे का मतलब होता है प्योर, जो सच्चा है, जो प्योर है, दिल का साफ है, जो अपने मन से युद्ध करता है बुराइयों के खिलाफ हर रोज नित हर सेकंड। खालसा सोए जो करे नित जंग, रोज जंग करनी पड़ती है अमृत उठने के लिए। मन तो कहता है सो जा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, पर गुरु का सिख कहता है नहीं, मैं गुरु नानक का सिख हूँ, उठूंगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक फिर बाँह पकड़ कर उठा देता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जुन देव जी महाराज यही बात कह रहे हैं कि दावा अगन बहुत तीर्ण जाले, कोई हरिया बूट रहे हो रही, कोई बिरला मुझे दिख रहा है जिसने आलस को जीता है। आगे सर्वन कीजिए। ऐसो समृत वर्ण न साबो, ऐसो समृत वर्ण न साबो, ताकि उपमा जात कहियोरी, जात कहे ओरी। ऐसो समृत वर्ण साको, गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं जिसने अपने मन को जीत लिया, आलस को जीत लिया, मैं ऐसे महापुरुषों की बड़ियाई लिख ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, मेरे शब्द थोड़े हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ताकि उपमा जात ना कहे ओरी, काजर कोठ में पही न कारी, निर्मल वर्ण बने ओरी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा कौन है जो काजल की कोठरी में जाए और उसे कालख ना लगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहते हैं ये वो बलि है जो काजल की कोठरी में रहकर भी कालख नहीं लगी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जिसने अपने आलस को जीत लिया। महामंत्र गुरु हृदय बसियो, अचरज नाम सुनियोरी, कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई, प्रेम भगत नानक सुख पाया, साधु संग समाई, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पर एंड में आंसर दिया है इतने सारे क्वेश्चन कि कैसे तू बचा, संतों से पूछा आप कैसे बचे आलस से, तो यहाँ पर संतों ने दो उपदेश दिया आखिर में, ध्यान से श्रवण कर लेना। कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई, प्रेम भगत नानक सुख पाया, साधु संग समाई,
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संतों ने जवाब दिया। गुरु अर्जन देव जी महाराज इस शब्द को लिख रहे हैं, दर्ज कर रहे हैं वाणी में। संत कह रहे हैं कि मुझे दो चीज़ों के आसरों से मैंने इस आलस को दूर भगाया, मैंने इस आलस को जीता। वो दो चीज़ें क्या हैं? महामंत्र गुरु हृदय बसियो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे हृदय में महामंत्र बसा लिया मैंने। कौन सा महामंत्र? वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। फिर से श्रवण कर लीजिए, क्योंकि यही जवाब सबसे कीमती है। महामंत्र गुरु हृदय बसियो, इस महामंत्र वाहेगुरु मंत्र को मैंने अपने हृदय में बसा लिया, दिन रात जपने लगा, इससे मेरा आलस भाग गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डायरेक्ट नहीं भागा, महामंत्र को जपने से क्या हुआ पहले ध्यान से सुनिए। कहने लगे मैंने महामंत्र को हृदय में जपना शुरू किया, गुरु ने मुझे अपनी प्रेमा भक्ति बख्श दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपनी चरण लगाई, प्रेम भगत नानक सुख पाया साधु संग समाए। गुरु ने मुझे अपनी प्रेमा भक्ति बख्श दी, भक्ति में प्रेम डाल दिया, और उससे क्या हुआ, मुझे सत्संगत में बैठकर नाम जपने का आदत पड़ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आखिर में तत् ये निकला, सत्संगत में बैठकर मेरा आलस भागा। सत्संगत में आकर मैं बैठा, साधु की संगत में आके बैठा, बैठकर मैंने नाम जपा, मेरा आलस भाग गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास क्यों बार बार कहता है, घर में नाम जपना अच्छी बात है। अगर पास में कोई सेंटर नहीं है, कोई जगह नहीं है, तो घर में जपना है। पर अगर पास में गुरुद्वारा है तो संगत में जाकर जपो, उसके कई ज़्यादा लाभ हैं। और सबसे एक कीमती लाभ बता दिया, संगत में आलस नहीं आता। अब घर में बैठे कोई कीर्तन करते करते जो सुन रहे, आधे लोग सो भी गए होंगे, कोई लेट कर सुन रहा होगा, भोग पड़ेगा तब उसे पता चलेगा। यहाँ पर ये नहीं हो सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो दास एक छोटा सा पॉइंट बता रहे हैं, सत्संगत में बैठकर नाम जपने का फल आप खुद महसूस कर रहे हो, वाइब्रेशन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर पता नहीं कैसी कैसी नाम जपने वाली रूही आप में बैठी हैं, रूहें बैठी हैं, कैसी कैसी। सौ माला मूल मंत्र का नेम, 20-20 सुखमणि साहब जी के पाठ रोज करने वाले बैठे हैं संगत में आपके बीच में, कमाई वाले संत महापुरुष बैठे हैं आपकी संगत के बीच में, वो उनकी वाइब्रेशन आपको सपोर्ट करती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आलस यहाँ पर आ ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वंज मेरे आलसा, हर पास
टिंगरे वाले, करनाल वाले, वो घटना सुनाया करते थे बड़ी प्यारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते थे कैसे महापुरुष ने आलस को जीता होता है। कहते मेरी आंखों देखी घटना है और बहुत बड़ा ज्ञान मिलता है इस घटना से। शायद घटना छोटी सी पर ज्ञान बहुत बड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बात की मुझे आज तक समझ नहीं आई, ये देखो सत्संगत का ही है ना, कीर्तन कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, पता ही नहीं चलता समय कब हो गया। मैंने कहा था 5:30 भोग डाल दूंगा, अब तो प्रकरण शुरू हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये है सत्संगत। ना गाने वाले को पता चलता है ना सुनने वालों को। गुरु की कृपा वर्तती है प्रतक, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी प्रतक विराजमान, गुरु नानक बैठे, कैसे नहीं वर्तेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा राम सिंह जी कहते हैं कि मैं बैठा था, मेरे पास एक संत महापुरुष बैठे थे सनातन धर्म के, कमाई वाले थे वो भी बहुत। कहते हमें कोई बुलाने आ गए लोग, कुछ लोग के हम जो होते हैं ना विद्यार्थी होते हैं कहीं के, जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, गुरबाणी की शिक्षा प्राप्त करते हैं और उसके बाद फिर वो प्रवचन करते हैं, कथा करते हैं, ऐसे स्कूल होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जहाँ पर सिखाया जाता है आध्यात्मिक पढ़ाई। कहने वो उस विद्यार्थी आगे के आज हम श्री सुखमणि साहब जी के कथा करने जा रहे, शुरुआत करने जा रहे हैं, तो बेनती कि आप हाजिरी भरेंगे, बैठेंगे सामने तो हमें बड़ी खुशी होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे हम खुश हो गए कि चलो बच्चों का उत्साह बढ़ेगा। तो जो कथा करने वाले थे वो अपनी जगह पर आके बैठे और भी संगति, हम भी आ गए, जाके बैठे, वो सनातन धर्म के महापुरुष भी आ गए। श्री सुखमणि साहब जी कथा सुनने, कथा सुनने अर्थ कथा की शुरुआत हुई और पहली पंक्ति क्या है, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश तनवाह मिटाओ, कल कलेश कन माहे मिटा। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अर्थ किए गए कि सिमरन करने से आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। घर से बोलिए धन गुरु नानक। शारीरिक सुख मानसिक सुख तो मिलता ही है, आत्मिक सुख की भी प्राप्ति होती है, अध्यात्मिक मंडलों में सुरत चली जाती है। और फिर कल कलेश तन माहे मिटावो, इस शरीर में जितने रोग हैं जितने दुख हैं वो भी दूर हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे सनातन धर्म के महापुरुषों ने जैसे ही ये वचन सुने उठ खड़े हुए कि मैं जा रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा राम सिंह जी कहने लगे, हमने सवाल किया भाई क्या हुआ, कुछ गलत बोल दिया आपको, बुरा लग गया। कहने लगे नहीं, मुझे तो तत् ज्ञान मिल गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये श्री सुखमणि साहब जी की वाणी का पूरा पाठ सुनने की मुझे जरूरत नहीं, मुझे दो पंक्तियों में से तत् ज्ञान मिल गया कि सिमरन ही सब कुछ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिमरन करने से, नाम जपने से, प्रभु को याद करने से आध्यात्मिक तरक्की हो जाएगी मन की और शरीर के रोग भी खत्म हो जाएंगे। तो मैं सिमरन करने जा रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा राम सिंह जी कह लेंगे हम कब से सुनते हैं अर्थ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी इतना चाव नहीं पैदा हुआ, कभी ऐसा मन नहीं किया कि बस अभी सुना है बैठ जाए जाके, नहीं बैठ जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 45 के हो जाएंगे ना, 50 के बच्चों की शादी हो जाएगी फिर बैठ जाएंगे, जैसे हमारे पास गारंटी कार्ड होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष वो बस सुना चल पड़े, चाव पैदा हो गया कि सिमरन करने से सुख प्राप्त होगा, मैं सिमरन करने जा रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु मेहर करेगा, हमें भी ये अवस्था बख्शेगा, तभी तो यहाँ बैठे हैं उसके चरणों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे बख्शनी होगी, हम मांगे तो सही दिल से, हम मांगते कुछ और है ना, गाते कुछ और है, दिल कुछ और मांग रहा होता है। दुनियावी लोग हैं, हमें चाहिए भी सब कुछ, मानता हूँ मैं कभी कभी, पर इसको भी मांग लिया करो।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कभी कभी समझ लिया करो कि राजू को ही मांग लो, सामान मांगने की क्या जरूरत है, राजा जिसका हो गया सारा राज्य ही उसका हो गया ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 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 महापुरुषों ने जो वंज मेरे आलसा शब्द है क्यों उच्चारण किया, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं कि आलस दूर हो जाए ताकि मैं तुझे पा सकूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आलस दूर इसलिए नहीं हो जाए कि मैं चार की दस दुकानें खोल दूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आलस इसलिए दूर कर कि मैं तुझे पा सकूं। हमारे मनोरथ और हैं, महापुरुषों के मनोरथ और हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आओ मांगो, मुझे लगता है भोग डाल देना चाहिए। कथा बहुत बड़ी है, अगर कोशिश करूंगा, इसी प्रकरण बहुत प्यारा है और बहुत ज्ञान है इसमें, तो कल भी इसे ले लूँ, शायद ले ही लूँगा, क्योंकि फिर संगत के फ़ोन आते हैं, आप बोलते लेते बाद में लेते नहीं हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु मेहर करें तो पहले तो सारी संगत को लाख लाख कोट कोट बधाई पहले चाले के पहले दिन की। गुरु नानक ने मेहर की, बाबा नंद सिंह जी आप आकर वरते, महापुरुषों का आशीर्वाद, आप संगत की आशीष की वजह से ही ये कीर्तन हो रहा है। गुरु मेहर करें पहले दिन ही इतनी संगत, मन प्रसन्न हो गया। गुरु मेहर करें हर रोज बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, सिर्फ यहीं पर नहीं, हर सेंटर्स पे जहाँ जहाँ प्रोजेक्टर लगे हुए हैं तकरीबन सात संगत जी। गुरु मेहर करें, मुझे पता नहीं गिनती नहीं, पर सैकड़ों जगह पर प्रोजेक्टर चालू है, गिनती नहीं है, कोई कम ज़्यादा मुँह से निकल जाए मुझे नहीं पता, और सैकड़ों जगह पर हज़ारों लोग जुड़े बैठे हैं इस वक्त। सबको चाली के पहले दिन की लाख लाख बधाई हो, और अरदास करके जाना आज। अच्छा मेरा आलस दूर कर, सिर्फ ये 40 दिन ही नहीं, अब मरते दम तक मेरा अमृत वेला ना छूटे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 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 वंज मेरे आलसा, 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 वंज मेरे आलसा। हर पास बिनती, हर पास बिनती, हर पास
हर पास हर पास बिनती मन मेरे आलसा 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 धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक।